नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसका चौथा भाग हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हमें पता है हमें इन समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि के साथ। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, ये दो समीकरण हैं, इनमें दशमलव है। बहुत से बच्चे दशमलव देख के डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। ये बहुत आसान सवाल है बच्चों, थोड़ा सा बस ध्यान से करने की ज़रूरत रहती है। हम जैसा कि पिछले भागों में करते रहे, हम दोनों समीकरणों को आमने सामने लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहे तो 1 को तोड़ सकते हैं, चाहे 2 को तोड़ सकते हैं। मैं इसमें 1 को तोड़ रहा हूँ, आप 2 को भी हल करके देख सकते हैं। देखिए कैसे करना क्या है, हमें इसको 1 को 0.2 इंटू एक्स, इसको x वाली रकम को इधर ही छोड़ दो, y को उधर ले जाओ। उधर है 1.3, ये 0.3y यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। 0.3y यहाँ प्लस था, उधर जाके हो गया माइनस। अगले स्टेप में 1.3 माइनस 0.3y, 0.2x के साथ गुना हो रहा है, तो उधर जाके हो जाएगा भाग, ठीक है बच्चों। सबसे पहले 0.3y प्लस हो रहा था, उधर जाके हो गया माइनस। अगले स्टेप में x के साथ 0.2 गुना हो रहा है, उधर जाके हो गया भाग। इसको हम जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में करते आए, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, ये जो x का मान हमने दिखाया है 1 इक्वेशन को सॉल्व करके, इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इसे हम इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं है बच्चों, बड़े आराम से हल होगा। देखो यह 0.4x, 0.4 इंटू एक्स, एक्स की जगह जो अभी एक्स की वैल्यू आई थी वो लिख दो, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, यही आई ना बच्चों एक्स की वैल्यू। तो 0.4 इंटू एक्स, एक्स की जगह मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी। आगे है प्लस 0.5y, प्लस 0.5y, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, 1 इक्वेशन को हल करके x की वैल्यू निकाली, उसको 2 में रख रहे हैं। 2 था 0.4 इंटू एक्स, एक्स की जगह जो x का मान निकाला वो भरा, प्लस 0.5y, प्लस 0.5y बराबर 2.3, बराबर 2.3। ये इक्वेशन 2 बन गई है x का मान रखने से। अब हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान था, दशमलव से दशमलव कट गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। अब यहाँ बच गया 4, 0 4 का मतलब 4, यहाँ 0 2 का मतलब 2, तो 2 से 4 कट गया, 2 2 4। ये समझ आया बच्चों, ये है 0.4, ये है 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट सकता है। 2 से 4 कट गया, 2 2 4। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, यानी कि ये 2 इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। तो 2 को जब 1.3 से गुना करेंगे, देखिए 1.3, इसको 2 से गुना करो, 2 3 6, 2 1 2, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाएं हाथ से एक छोड़ के दशमलव, तो ये आ गया 2.6। तो 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 2.6 माइनस। 2 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3y से गुना करेंगे 2 को, तो y तो साथ में रहना ही है, 2 को इसे गुना कर दो, 2 3 6, 2 इंटू 0 0, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक छोड़ के दशमलव, तो ये आ गया 0.6y। ये y तो मैंने वैसे ही साथ में लिखा था, तो 0.3 को 2 से गुना करके आया 0.6, तो ये 2 से 0.3y गुना होगा, तो ये बन जाएगा 0.6y। आगे है प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है बच्चों। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आशा करता हूँ ये स्टेप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो इस स्टेप को दोबारा पीछे जाकर दोबारा देखो। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो y वाली रकम एक तरफ रखो, उनको सॉल्व कर लो,
ठीक है, सबसे पहले मैं 2.3 यहाँ पे पहले से है, 2.6 यहाँ प्लस का है, ये बिना वाई वाला है, इनके साथ तो प्लस माइनस होगा नहीं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का है उधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 2.6। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस 0.6y प्लस 0.5y, ये बच गया। अब इन्हें हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 0.6 में से 0.5 माइनस होगा, 0.6 में से 0.5 माइनस होगा, 6 में से 5 गए 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के में से 0 गया 0, ये आ गया 0.1। इसके साथ y भी है, और साथ में हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा बड़ी रकम कौन सा है, 0.6 या 0.5, 0.6, इसके साथ निशान कौन सा, माइनस, तो इसके साथ भी माइनस का निशान। अब हम यहाँ देखते हैं, यह है 2.3 माइनस 2.6, इसे भी माइनस करके देख लो, यहाँ कर लेते हैं 2.3 में से, और 2.6, तो 2.6 ऊपर रखकर 2.3 इसमें से माइनस करो, 6 में से 3 गए 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 2 गए 0, ठीक है, ये रफ वर्क है हमारा सारा। तो यह आया 0.3, साथ में बड़ी रकम है 2.6, उसके साथ निशान है माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का निशान है। अगले स्टेप में बच्चों, वाई हो जाएगा बराबर माइनस 0.3 बटा, ये माइनस 0.1 वाई के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, ये तभी कट सकता है जब यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक हो और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक हो, ठीक है। दशमलव से दशमलव कट गया, ये बच गया 3/1, यानी 3 को 1 से भाग कर दो तो कितना उत्तर आ गया, 3। 3 को 1 से भाग करके कितना आया, 3। इसका मतलब y हमारे पास आ गया 3, y हमारे पास आ गया है 3, y हमारे पास आ गया है 3। अब हम क्या करेंगे, पिछले भागों की तरह ये y का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। ये स्टेप सभी क्वेश्चनों में सेम है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ये था x बराबर, इक्वेशन 3 है 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई, 0.3 इंटू वाई कितना आया है 3, डिवाइडेड बाय नीचे है 0.2। इसको अब हमें हल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो 1.3 माइनस 0.3 को 3 से गुना कर दो, तीन गुना जीरो जीरो, दशमलव, एक छोड़ के दशमलव तो एक छोड़ के दशमलव, 0.9 आ गया, ये आ गया 0.9 बटा, नीचे है 0.2, ठीक है बच्चों। अब हम इसे आगे हल करें, चलो यहां हल करते हैं, ये आया 1.3 माइनस 0.9, मैं यहां कर रहा हूं ये कैलकुलेशन, 1.3 माइनस 0.9, ये 3 है, ये इससे उधार लेगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 9 गए 4, दशमलव के नीचे दशमलव, यहां बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो ये आ गया 0.4। तो 1.3 में से 0.9 माइनस कर दो, तो जैसे 13 में से 9 गए 4, ठीक है, तो ये आ गया 1.3 माइनस 0.9, ये आ गया 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। फिर से दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव दशमलव कट जाएंगे, ये 2 और 4 आपस में कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 2, x की वैल्यू कितनी आई है, तो हमारी x की वैल्यू आई है 2, तो हमने x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, x हमारे पास आया है 2 के बराबर, y हमारे पास आया है 3 के बराबर, तो हमने समीकरण को हल करना था वो हमने कर दिया है। बच्चों देखो,
क्वेश्चन कितना मुश्किल सा लग रहा था, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, है ना। तो और यहाँ आके भी कई बच्चे छोड़ देते कि इतना मुश्किल x आ गया, हल कैसे होगा। लेकिन आपने देखा, यदि हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते रहें तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी अटकता नहीं है। हमने सभी स्टेप्स ठीक किए तो हमारे पास y का मान 3 और y की वैल्यू इक्वेशन 3 में डालने से हमारे पास x का मान 2 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन से बेटा कभी भी डरना नहीं है, आपने सिर्फ तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बड़े आराम से अपने आप हल होगा ही होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको समझ आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। धन्यवाद।